ये होने का रीज़न तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वाटर बॉडी था 6 फीट पे, तो नीचे जो का ज़मीन था वो काफ़ी सॉफ्ट था और वो ज़मीन के धंसने के वजह से ये हादसा हुआ है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन जब तक क्लियर नहीं होता है कि करेक्ट रीज़न क्या था, अभी बोलना सही नहीं होगा। तो अभी जो अथॉरिटी लोग से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ऊपर से जाकर एक होल बनाया जा सकता है, होल बना के अंदर जो लोग फंसे हैं 3 लोग उनको निकालने की कोशिश करेंगे। अभी ये तो 2 बिल्डिंग डैमेज हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ उसके बगल की जो बिल्डिंग है, बहुत केयरफुली इस बिल्डिंग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बगल की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो सही सामानत है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इस बिल्डिंग के धंसने से टच हो चुका है, तो जिसकी वजह से इसको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಯರ್ ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು